हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेक एंड ट्यूटोरियल। इस वीडियो में मैं शूट करने वाला हूँ कुछ टेक मिथ्स जिस पर आप आज भी यकीन करते आ रहे हैं। तो बिना समय गवाए चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस माय न्यू वीडियो। तो जो पहला टेक मिथ है वो है कि चार्जिंग योर फोन ओवरनाइट कैन हार्म योर स्मार्टफोन। मतलब कि अगर आप अपने स्मार्टफोन को रात भर चार्ज करते हैं तो आपका जो स्मार्टफोन है वो ब्लास्ट हो सकता है, आपका स्मार्टफोन जो है वो डैमेज हो सकता है। मगर ये सरासर झूठ है क्योंकि आजकल स्मार्टफोन्स में ली आयन और ली पॉली बैटरीज यूज होते हैं, इसलिए आप अपने फोन को रात भर चार्ज कर सकते हैं और सुबह आप अपने फोन को आराम से यूज कर सकते हैं और आपका फोन जो है वो खराब भी नहीं होगा। तो जो दूसरा टेक्निक है वो है कि बेटर जो है मोर मेगापिक्सल बेटर पिक्चर। मतलब कि आपके कैमरा में जितना ज्यादा मेगापिक्सल होगा जो आपकी पिक्चर क्वालिटी है वो उतनी ही अच्छी आएगी। सो ये भी एक बहुत बड़ा टेक मिथ है क्योंकि मेगापिक्सल ऑफ अ कैमरा आपके पिक्चर क्वालिटी को अफेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ आपके पिक्चर की जो डिटेलिंग है उसको अफेक्ट करता है, ना कि उस पिक्चर के क्वालिटी को। तो जो चीज पिक्चर के क्वालिटी को अफेक्ट करती है वो है लेंस का बनावट, उसका साइज, आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, लाइट सेंसर्स और भी दूसरी चीज जो कि आपका कैमरा का जो पिक्चर क्वालिटी है उसको अफेक्ट करती है। उसके बाद थर्ड जो टेक्निक है वो है इनकॉग्निटो ब्राउजिंग। यानी कि इसे बनाया गया था ताकि आप अपने बैंकिंग का काम कर सके, अपने कुछ जरूरी फाइल्स के बारे में काम कर सके, अपने ऑफिस के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट शेयर करना है उसे आप कर सके, और वो चीज़ आपके जो फ़ोन है उसके हिस्ट्री में या आपके जो स्मार्टफोन है या कंप्यूटर है उसमें सेव नहीं होगी और आप आराम से वो काम कर पाएंगे। मगर कुछ लोगों को लगता है कि ये बिल्कुल प्राइवेट है, इसलिए मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल प्राइवेट नहीं है, क्योंकि जिस वक्त आप इनकॉग्निटो ब्राउजर का यूज़ कर रहे होते हैं उस वक्त गूगल IPS ट्रैकर सब कोई आपको ट्रैक कर रहे होते हैं और उन्हें सब कुछ पता रहता है। उसके बाद जो उसका जो फोर्थ टेक्निक मिथ है वो है कि व्हेनेवर यू चार्ज योर स्मार्टफोन मेक श्योर योर बैटरी इज एट 0%। यानी कि जब भी आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज करेंगे तो आपका जो बैटरी है वो बिल्कुल 0% में होना चाहिए। ये तो एकदम ही बेकार सर मिथ है। क्यों मैं अपने स्मार्टफोन का चार्ज को 0% पे रखूं? अच्छा मान लिया मैंने 0% में रखा भी और अगर मुझको उस भी वक्त कुछ जरूरी काम पड़ गया तब तो भैया मुझे इंतजार करना पड़ेगा उस फोन के ऑन होने का, और तब तक वो काम तो निकल गया हाथ से। तो ऐसा कुछ बात नहीं है कि आपको अपने फोन को 0% में रखना चाहिए। आप अपने फोन को 90%, 80%, 70% जितना भी चार्ज हो आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं बिना किसी डर के। उसके बाद आता है नेटवर्क सिग्नल स्ट्रेंथ अफेक्ट्स द सर्विस परफॉर्मेंस। यानी कि आपका जो नेटवर्क आ रहा है आपके स्मार्टफोन में, जो आपके स्मार्टफोन के जो टास्क बार में जो नेटवर्क शो करते हैं अगर वो फुल है तो भाई आप आराम से नेट यूज कर सकते हैं, आप आराम से कॉल कर सकते हैं। तो ये एक झूठ है क्योंकि जो नेटवर्क है जो नेटवर्क का जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो बस ये शो करता है कि आपके और जो टावर है जिससे आपको मिल रही है उसकी डिस्टेंस कितनी है आपको और आपको कितनी ज्यादा सिग्नल मिल रही है। तो जो चीज आपके सर्विस को अफेक्ट करती है वो है उस टावर में कितनी कैपेसिटी है और उस टावर के अगल बगल कितने लोग उस सिग्नल के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर एक टावर है और उस टावर की कैपेसिटी है 500 MB और यहाँ पर है 100 लोग, तो वो सबको 5 MB करके मिलेगी, तो वो जो 500 MB है वो सब में डिवाइड हो जाएगी। इस तरह आपका स्पीड जो है या जो सर्विस है वो ऊपर नीचे होता है। तो जो नेटवर्क जो सिग्नल स्ट्रेंथ है उसका दूर दूर तक सर्विस परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जो टेक्निक आती है वो है कि एक्सेसिव यूज ऑफ स्मार्टफोन कैन कॉज यू कैंसर। ये बिल्कुल झूठ है क्योंकि लोग कहते हैं कि इसमें से एक रेडियो एक्टिव रेज निकलती है जो कि आपके बॉडी में कैंसर पैदा कर सकती है, मगर स्मार्टफोन से कोई भी ऐसी रेज नहीं निकलती। हाँ स्मार्टफोन बहुत खराब है,
अगर आप उससे ज्यादा देर तक यूज करेंगे तो वो आपकी आंखों के लिए खराब है। अगर आप अपने स्मार्टफोन को ड्राइविंग के वक्त यूज करेंगे तो उससे एक्सीडेंट भी हो सकता है, मगर स्मार्टफोन से कैंसर नहीं हो सकता, तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो आपके जो जितने भी डाउट्स थे या आप जितने भी टेक्निक्स पर यकीन करते होंगे उस पर से पर्दा उठ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, और अगर आपको कुछ सुझाव हो तो नीचे कमेंट्स भी जरूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।